मैं एहसानुल हक मलिक सम्मान्यू से, हमारे साथ हैं अर्जक अधिकार दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल उत्तम जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप सामाजिक न्याय के लिए एक लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं और आपका जो दल है उसका उद्देश्य और अब तक आपको कितनी सफलता मिली। अर्जक अधिकार दल का उद्देश्य है समाज में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक बराबरी लाना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करीब 60% शोषित वंचित समाज ऐसा है जो गरीबी में पैदा होता है और सारी जिंदगी सिर्फ पेट के लिए संघर्ष करते करते मर जाता है। उसका न तो पूर्ण शारीरिक विकास हो पाता है और न ही पूर्ण बौद्धिक विकास हो पाता है। इससे देश और समाज को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि 1978 में चाइना हमसे 26% गरीब था, हम उससे 26% अमीर थे। आज चाइना हमसे 3 गुना अमीर हो चुका है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि चाइना ने अपनी पूरी जनसंख्या को शिक्षित प्रशिक्षित करके उत्पादन काम में लगाया और चाइना विश्व की फैक्ट्री बन गया। आज भारत ही नहीं अमेरिका जैसे देशों को भी चाइना ज़्यादातर अपने यहाँ का निर्माल सप्लाई कर रहा है। हम जाति और धर्म की संकीर्ण दीवारों में फंसे रह गए। हमने जो है अपने शोषित वंचित समाज को ऊपर उठाने को, उनको शिक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था आज़ादी के बाद बनाई गई थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी, उसको भी हमारी सरकारों ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है। मुझे याद है जिस समय मैं पढ़ता था उस समय जीआईसी बड़े प्रतिष्ठित स्कूल माने जाते थे। आज जीआईसी की क्या हालत है आप स्वयं देख लीजिए। ऐसा क्यों है? जबकि शिक्षा में टीचर्स की तनख्वाह बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इसके बावजूद सरकारी शिक्षा पटरी में क्यों नहीं आ रही है? सरकार की ये नियत ही नहीं है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता हूँ, चाहे जिस पार्टी की सरकार आए, वो शोषित वंचित समाज को शिक्षित नहीं करना चाहते, प्रशिक्षित नहीं करना चाहते। अभी बीजेपी सरकार तो पूरी तरह से इस बात पर आमादा है कि इनकी शिक्षा को कैसे ख़त्म कर दिया जाए। जो सरकारी शिक्षा है, प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा, उसको तो चौपट कर ही दिया है, अब ऊंची शिक्षा को वो प्राइवेटाइजेशन और महंगी करते जा रहे हैं। आपने देखा JNU, जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में फीस बढ़ाकर गरीबों की पहुंच के बाहर किए जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ की एक सामंतवादी और वर्णवादी जो व्यवस्था है वो शोषित समाज को गुलाम बना के रखना चाहती है। वो उसका सोच ये है कि अगर ये गुलाम और गरीब रहेंगे तो इनका वोट लेना आसान रहेगा, इनको इतना कमज़ोर कर दो कि ये रोटी को ही विकास समझने लगे। जिस दिन भरपेट भोजन मिल जाए उस दिन जय जयकार करें और जो है हमको वोट दे दें। तो मित्रों, अर्जक अधिकार दल इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए आया है।
एक और बड़ी गलती हो रही है। हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? आज हमारी चारों तरफ से संकट हमारे ऊपर आ गया है। सीमा में चीन हमको घेरता जा रहा है, हमारी सेना पर, हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा है और हमें आंखें दिखा रहा है। इधर हमारी वित्तीय स्थिति बुरी तरह से चौपट हो गई है, रिजर्व बैंक खाली हो गया है, बैंक दिवालिया हो रहे हैं। उधर जो है समाज में जो एक सेकुलर सिस्टम था, जो भारत एक गुलदस्ता था जिसमें सभी जातियों धर्म के लोग मिलजुल कर और एक बढ़िया तरह से रह रहे थे, उसको जातियों धर्मों में बांट दिया गया है, उसको धर्म के नाम पर। अभी आपने देखा तबलीगी जमात का नाम लेकर एक वर्ग को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। अब दो दो हाई कोर्ट अपना फैसला दे चुके हैं और बता चुके हैं कि ये सरकार का गलत स्टेप था, उन्होंने नाजायज ढंग से उनको बदनाम किया, एक समुदाय को बदनाम किया और उनको परेशान किया। एक गलती हम और कर रहे हैं, जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से हम अपनी खनिज संपदा सीधे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर अपनी भारी मैन पावर को शिक्षित और प्रशिक्षित करके उत्पादन कार्य में लगाएं और अपनी खनिज संपदा और कृषि उत्पादों को अच्छे प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाकर बाहर भेजें, तो हम मालामाल हो सकते हैं। अर्जक अधिकार दल इसी दिशा में सोच रहा है, इसी दिशा में काम कर रहा है। व्यवस्था बदलेगी, अब हमारी आशा की किरण आज के पढ़े लिखे नौजवान हैं जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश और समाज के बारे में सोचते हैं, न्यायचित और तर्कसंगत ढंग से सोचते हैं। निश्चित मानिए, व्यवस्था बदलेगी और भारत पुनः विश्व की महाशक्ति बनेगा। धन्यवाद उत्तम जी। सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बैकवर्ड समाज है, जो जातियां हैं, अगर इस सामाजिक लड़ाई लड़ने में पीछे रही तो एक लंबे समय तक उनको इसका प्रायश्चित करना होगा। जो भी ओबीसी समाज की जातियां हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे आए। देखिए, तमाम जातियों के लोग ओबीसी के जो हैं वो सामाजिक न्याय के मामले में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खास करके यादव समाज जो है वो तो काफ़ी उभर करके सामने आ रहा है। तो हमें सामाजिक न्याय लड़ाई में दलितों, पिछड़ों और सुदूर ट्राइब के लोगों को भी साथ में लेकर के एक समंदर बना करके आगे की लड़ाई लड़नी होगी, ताकि हम राष्ट्रपति से लेकर और प्रधानमंत्री और चपरासी तक यही वंचित समाज के लोग बन सकें। धन्यवाद।